सकरतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तलवार, मादक पदार्थ और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:08 के आसपास की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शेख समीर और बापूराव उम्र 22 साल, शेख मोहसिन उम्र 27 साल और शेख इरशाद उम्र 29 साल शामिल है, जो नागपुर के ताजबाग इलाके के निवासी हैं। इनके पास से पुलिस ने तलवार, मोबाइल फोन, नकद राशि और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी शेख समीर के पास से 300 रुपए की एक लोहे की तलवार, दो मोबाइल फोन और 500 रुपए नकद बरामद किए गए। वही शेख मोहसिन के पास से 300 रुपए का रबर कोटेड एल्यूमिनियम रॉड, एक ओप्पो मोबाइल फोन और 620 रुपए नकद मिले हैं। वही तीसरे आरोपी शेख इरशाद के पास से 50 रुपए की एक सफेद रंग की रस्सी और 50 ग्राम मादक पदार्थ मरिजुआना बरामद किया गया। सकरदरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर पूजा खांडेकर ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया है। पुलिस ने कुल 26,820 रुपए के सामान को जब्त किया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मादक पदार्थ नियंत्रण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी इन वस्तुओं का उपयोग किस मकसद से कर रहे थे। काल दिनांक 15-10-24 रोजी आमची डिव्हिजन होती, आमची डीबीचे अधिकारी कर्मचारी व नाईट ऑफिसर फिरत असताना आशीर्वाद नगर NIT गार्डन जवळ काही इसम एका ठिकाणी संशयितरित्या बसून दिसले। त्यांना चेक केले असता त्यातून दोन इसम अंधाराचा फायदा घेऊन पळाले। तिघा इसमांना ताबत घेतल्या असत्या, त्यांच्याजवळ मोबाईल, चाकू, दोरी, मिरची पूड इत्यादी वस्तू मिळून आल्या। त्यांना विचारलं असं ते एक दरोडा घालण्याचे तयारीत होते, परंतु पोलीस अचानक गेल्यामुळे त्यांचा तो प्लान फसला। त्याचे दोन आरोपी पळाले, तीन आरोपींनी अटक केलेली आहे। त्यांचा आम्ही आज PCR घेत आहोत। त्यांच्याकडे जप्त असलेले मोबाईल्स आणि वेपन्स वगैरे जप्त केलेले आहे, गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, तपास सुरू आहे। अटक आरोपीमध्ये शेख समीर उर्फ बाबूराव वल्द शेख हे मोठा ताजबाग येथे राहणारे आहेत। दुसरा आरोपी आहे शेख मोहसिन वल्द शेख रहीम, वय 27 वर्ष, हे पण मोठा ताजबागला राहणारे आहेत। यांच्यावर 307 सारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे। आणि तिसरा शेख इरशाद शेख इसू, वय 29, हा सुद्धा मोठा ताजबाग येथे राहणारे आहेत। हे तीन आरोपी अटक आहेत व बाळा पिंपळकर व सक्रेत दिग्रसकर हे दोन आरोपी पळून गेले, फरार आहेत आणि ते पोलीस सकरदऱ्यातून हद्दपार सुद्धा आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।